नमस्कार दोस्तों, आज हनुमान जी का ऐसा महाशक्तिशाली उपाय और मंत्र बताएंगे आपके जीवन में, चाहे कितना बड़ा संकट चल रहा हो, आपको चारों तरफ से संकट ने घेर रखा, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, कोई समस्या का समाधान नहीं दिख रहा हो, चाहे आप कर्ज से जुड़े हो या धन से जुड़ी हो या आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, आपने लोन दिया लोन नहीं चुका पा रहे हो, आपके जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आपको कोई भी राह की किरण नहीं दिख रही है, तो आपको ये हनुमान जी का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय का प्रतिदिन जाप करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हो दूर भाग जाएंगी। हनुमान जी का ये चौपाई बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके साथ ही जो व्यक्ति ये उपाय श्रद्धा भाव से करेगा, उसके जीवन में जो भी परेशानी हो उसे उस परेशानी से लाभ मिलेगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जिस व्यक्ति ने ये उपाय किया उसको लाभ मिला है। आपकी गृह दशा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, आपको शनि का साढ़े साथी हो या फिर राहु केतु की भयंकर दशा चल रही हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान रह हो, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है, तो आपको एक बार ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे हम सभी लोगों के जीवन में चल रही हर एक समस्याओं का समाधान इस उपाय के द्वारा किया जा सकता है। भक्तों, यह उपाय उन व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए जो चारों तरफ मुसीबत से घिरा हुआ हो और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो आपको ये हनुमान जी का ये उपाय अवश्य कर लेना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला उपाय है। भक्तों, आपके घर से यदि घर से सुख समृद्धि शांति चली गई हो, तो आपको ये उपाय अवश्य कर लेना है। आपको मंगलवार या शनिवार के दिन ये उपाय करना है। आपको लगातार 8 मंगलवार या 8 शनिवार को ये उपाय करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें या आप संकट मोचन हनुमान अवश्य लिखें। आइए जानते हैं वो कौन सा उपाय जिसके करने मात्र से हम सभी लोगों के जीवन में जो भी परेशानी हो उससे दूर भगाया जा सके। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ये उपाय करेगा तो उस व्यक्ति की जितनी भी आयु हो, चाहे वो 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का या 50 साल का या इससे कम या ज़्यादा हो, तो उस व्यक्ति को उतनी ही काले उड़द की दाल साबित ले लेनी है और अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। आपके घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा है तो उसको आप अपने समक्ष रख लें और आप धूप दीपक ज्योत प्रज्वलित करने के बाद आपकी जितनी भी आयु, आप उतने ही काले उड़द की दाल के दाने ले लेने और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने हैं। ध्यान रखना है उतने ही दाने लेने जितनी की आपकी आयु है, तो एक एक करके आपको हनुमान जी के चरणों में वो दाने अर्पित करने हैं। उसके साथ ही जय हनुमान या जय संकट मोचन हनुमान का जाप भी करना है, या आपको कोई मंत्र आता है तो आप उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस चौपाई का जाप करना है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आपको इस चौपाई का जाप करना है 108 बार, हो सके तो आप 108 बार इस चौपाई का जाप करिए। और उसके बाद आपने जो काली उड़द के दाल के दाने आपने हनुमान जी को चरणों में अर्पित किए थे, वो आप एक कटोरी में रख लें और उसके बाद आपको एक पुड़िया बना लेनी है। आप दूसरे दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी संकट चल रहा हो, आपको चाहते हो संकट ने घेर लिया हो, तो उन संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। यह उपाय आपको मंगलवार शनिवार के दिन करना है। आपको सुबह या शाम किसी भी समय कर लेना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जिस व्यक्ति ने उपाय किया उसको लाभ मिला है, तो आपको एक बार उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो भी परेशानी चल रही होती है उन संकटों से दूर करने के लिए, अपने घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए हम सभी लोगों को छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो वाद स्वास्थ्य में ग्रंथों में बताए हुए होते हैं और इन उपायों को हर एक व्यक्ति ने करके देखा है और लाभ भी मिलता है, तो आपको इन उपायों को अवश्य एक बार करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलें और मेरे चैनल पर आप हमेशा के लिए विजिट करें, जिससे कि आपको ऐसे ही उपाय के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।